सो हे गाइस, अगेन वेलकम टू आवर चैनल। बात करने वाले हैं 9AMA स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि दोस्तों आज के दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना है 9AMA स्ट्रेटजी से। और दोस्तों आज के दिन SL ज़ीरो हुआ है, यानी कि एक भी ट्रेड के अंदर SL नहीं हुआ है। और दोस्तों 1,64,000 का यहां पर प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1,64,000 का प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पर स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये प्रॉफिट कैसे बनाया है और कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की है और क्या मेरा माइंडसेट था और क्या मेरी साइकोलॉजी थी, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड किया। निफ्टी का यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, यहाँ पर देखिएगा 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना है। जब भी 9AMA स्ट्रेटजी यूज़ करो आप, 5 मिनट का चार्ट ही आप यूज़ कीजिएगा, कोई भी दूसरा चार्ट यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पर 9AMA स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। मार्केट ओपन होता है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है, 9AMA स्ट्रेटजी से पहली 5 मिनट की कैंडल ही यहाँ पर अपने को ट्रेड दे देती है, 9AMA के नीचे क्लोज होती है। बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, जब 9AMA स्ट्रेटजी मैंने बताई थी उस स्ट्रेटजी में बताया था मैंने कम्प्लीट की, जब भी सपोर्ट होता है इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर आपको कोई भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 680 से लेके यहाँ पर 720 और 722 के बीच में एक सपोर्ट का जो एरिया है, जो वो एरिया था, तो यहाँ पर ट्रेड को मैंने इग्नोर किया है। बट प्राइस एक्शन देखिए अपसाइड गया वापस से। देखो मैंने क्या बताया था कि उस स्ट्रेटजी में बताया था कि मैंने जब भी जो प्रीवियस ट्रेंड हो या फिर जो ट्रेंड हो इंट्राडे ट्रेंड हो, उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है अपने को। तो देखेंगे कल का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, प्राइस एक्शन बना था हुआ नेगेटिव जा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वो एक चीज़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये बुलिश कैंडल बनी थी, 9AMA के ऊपर क्लोजिंग मिली थी और ग्रीन कैंडल बनी थी, बट इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, ये ट्रेंड के अगेंस्ट बन रहा था, ट्रेंड इसका अब पॉजिटिव नहीं हुआ था, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया बुलिश साइड में, कॉल साइड में। और दोस्तों वापस इसकी नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो 9AMA के नीचे क्लोजिंग मिली। अब जैसे ये 9AMA के नीचे, यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी यहाँ पर नेक, यहाँ पर ये शेडो है, अदरवाइज ये फुल एक बेरिश कैंडल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इतने बायर्स होते हुए भी इसका हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इतने बायर्स एक्टिव होते हुए भी इसका हाई क्रॉस नहीं कर पाया, तो यहाँ पर अपन ने वापस रेड कैंडल बनी, 9AMA के नीचे की क्लोजिंग मिली, इसका लो क्रॉस किया इस नेक्स्ट कैंडल ने और यहाँ पर अपनी बुट की पोजीशन बनी और यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड था और अपना स्कैल्प ट्रेड किया। ठीक है, एक मोमेंटम आपको यहाँ पर मिल गया 9AMA स्ट्रेटजी से। दूसरी स्ट्रेटजी देखिए, अब दूसरा मैंने ट्रेड कहाँ किया, अब वापस देखेंगे ये यहाँ पर देखेंगे वापस इसने सपोर्ट लिया, मैंने ऑलरेडी बताया 600 से लेके 660 670 680 का और 700 और 720 तक का एक रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस दरमियान फिर मैं अब कोई ट्रेड नहीं लेने वाला था, यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस एक पावर कैंडल के साथ यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर 9AMA को क्रॉस किया, 9AMA को क्रॉस किया और दोस्तों ये सपोर्ट लेवल के नीचे से किया और सपोर्ट था ये 680 का लेवल ये सपोर्ट था। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक जैसे वॉल्यूम के साथ कैंडल अपसाइड गई और इसका हाई क्रॉस किया, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और इसी लेवल के आसपास मैंने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया था। क्यों किया था इसका रीज़न भी देखिएगा, इस रेड वाली कैंडल के हाई पे या फिर इस कैंडल के बीच में ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था, स्कैल्पिंग की थी, कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लिया था। उसके बाद दोस्तों मार्केट इसको ब्रेकआउट किया था और वापस अपसाइड गया। अब दोस्तों देखिए मैंने ट्रेड लिया था और ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी 100% कॉन्फिडेंस देती है तभी मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, एक ये पैटर्न बन गया, W पैटर्न देख रहा है, ये W पैटर्न बना पहली चीज़ तो ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट लेवल देखिए 710 का। और तीसरी चीज़ देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लेवल था इसको रिटेस्ट के बाद देखेंगे, तुरंत बाद यहाँ पर देखेंगे एक बुलिश कैंडल मिली और ये 9AMA के ऊपर क्लोजिंग मिल गई थी। जैसे 9AMA के ऊपर क्लोजिंग मिली और दोस्तों से फर्स्ट कैंडल नए क्लोजिंग के बाद दोस्तों फर्स्ट कैंडल ने इसका हाई क्रॉस नहीं किया, सेकंड कैंडल ने इसका हाई क्रॉस किया और यहाँ पर मेरा ट्रेड बन गया था। और दोस्तों इस ट्रेड में मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी, और क्वांटिटी अच्छी होने के बाद दोस्तों जैसे ये लेवल निकाला इस पावर कैंडल के साथ और वन वे यहाँ पर अपने को प्रॉफिट मिला। और दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला था मैं
कहाँ तक रुका था, मैं यहाँ तक नहीं रुका था, मैं यहाँ पर इतना बड़ा मूव मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, मेरा जो मूव था वो यही मूव था और ये रेंज थी, इस लेवल के आसपास मैंने इस कैंडल के, इस बड़ी कैंडल के अंदर अपना प्रॉफिट सारा का सारा बुक कर दिया था और एक अच्छा मोमेंटम मिल गया और प्रॉफिट अपने को मिल चुका था। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट के बाद अपने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया और कोई भी मोमेंटम नहीं कैप्चर किया और यहाँ पर अपने जो सिस्टम है वो बंद कर दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है बिलीव सिस्टम से, आप बिलीव कीजिए। यहाँ पर 90 से लेकर 95% इसकी एक्यूरेसी है। यहाँ पर आपको 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड आपके एग्जैक्टली सही निकलेंगे और दोस्तों 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड अगर सही निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। 9 AMA को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। ओनली आपको इंडिकेटर में जाना है और दोस्तों आपको लगाना है ये 9 AMA, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो ये लगाओगे और उसके बाद दोस्तों सेटिंग में आपको 9 AMA को लगाना है और 9 AMA को यूज़ करना है। आपको क्या करना है, सिंपल सा सेटिंग में जाना है 9 AMA की और यहाँ पर सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने कलर वगैरह चूज़ कर लीजिएगा और इनपुट्स में जाओगे तो यहाँ पर 9 AMA में 9 AMA करना है और यहाँ पर देखिए मेथड में यहाँ पर AMA सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर SMA सेलेक्ट होगा, यहाँ पर SMA सेलेक्ट होगा तो अपने को यहाँ पर 9 AMA सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, ये 9 AMA सेलेक्ट करके ओके कर देना है बस, और दोस्तों कुछ नहीं करना। और ये आप ट्रेंड के साथ यूज़ कीजिएगा, अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता चल रहा है तो आप बिल्कुल भी इसको यूज़ मत कीजिएगा, ऐसे वोलेटाइल मार्केट के अंदर यूज़ नहीं करना है, ऐसे मार्केट के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब भी वोलेटाइल मार्केट हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया था पहले भी, तो ये मार्केट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि बार बार ऐसे हिट होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं अगर ट्रेलिंग ऐसे लेके चलता तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता, बट मेरा जो टारगेट था वो टारगेट यहीं तक का था तो वो टारगेट मिल चुका था तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट, सॉरी ये टारगेट था 500, यहाँ पर 750 और 700 का मेरा टारगेट था, तो उसी के बाद मैंने यहाँ पर फिर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर छोटे मोटे मेरे एक एक्सटर्नल और अकाउंट है अपस्टॉक का, उसमें किया था तो छोटा मोटा प्रॉफिट ज़रूर मैंने स्कैल्पिंग करी थी, बाकी ज़्यादा कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो 9 AMA स्ट्रेटजी का रूल यही है और इसी रूल को फॉलो कीजिए। बाकी मैंने पूरी स्ट्रेटजी का वीडियो बना दिया है तो वो जाके देखिए, आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप जाके देखिए, बहुत ही अच्छी आपको हेल्प होगी। बाकी दोस्तों वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।